आज हम देखेंगे ओपेम क्या होता है। ओपेम का फुल फॉर्म होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओपेम के बेसिकली दो टाइप होते हैं, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब नेगेटिव एम्पलीफायर, और दूसरा होता है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर मतलब पॉजिटिव एम्पलीफायर। ओपेम के गेन को हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। जैसे कि हम फॉर्मूला देख सकते हैं, V0 अपॉन VI, V0 का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज, VI का मतलब होता है इनपुट वोल्टेज, इज इक्वल टू RF अपॉन RI। RF मतलब होता है फीडबैक रेजिस्टेंस, RI होता है इनपुट रेजिस्टेंस। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक V+ लिखा है, दूसरा V-, इनका मतलब होता है लिमिटिंग वोल्टेज। V+ का मतलब होता है मैक्सिमम वोल्टेज, उसके बाद जो भी वोल्टेज गेन रहेगा वो एक कांस्टेंट रहेगा, और V- का मतलब होता है मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज, उसके बाद जो भी गेन रहेगा वो एक कांस्टेंट रहेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही, ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।